इस वीडियो में बात करेंगे सीए फाउंडेशन दिसंबर 21 के सिलेबस के बारे में। जो छोटा सा अपडेट हुआ है मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा। देखो, मैंने पहले ही वीडियो बना रखा है सिलेबस अपडेट को लेकर के, लेकिन मैंने उस समय बताया था जब आरटीपी रिलीज होगा तो वहां पे भी अपडेट आएगा, और आरटीपी रिलीज हो चुका है। ये जो अपडेट बताएंगे ये आपका फाइनल अपडेट हो माना जाएगा। इसके बाद आपके सिलेबस में कोई भी चेंजेस नहीं होगा आपके एग्जाम तक। मैं इस वीडियो में पूरा डिटेल बताने वाला हूं, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। इस वीडियो को देखने के बाद आपको दोबारा किसी वीडियो का देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। सबसे पहले बात करेंगे पेपर वन अकाउंट्स के बारे में। अकाउंट्स में अक्टूबर 2020 एडिशन ही एप्लीकेबल होगा। मतलब ये हुआ कि जो सिलेबस आपका जुलाई 21 एग्जाम में था, सेम सिलेबस दिसंबर 21 एग्जाम में होगा। अब बात करते हैं पेपर टू। पेपर टू में आपको दो सेक्शन होता है। सेक्शन ए होता है आपका बिजनेस लॉ, सेक्शन बी होता है बीसीआर। तो सबसे पहले लॉ का बात करेंगे सेक्शन ए में, तो सेक्शन ए में भी स्टडी मटेरियल आपका अक्टूबर 2020 एडिशन होगा। इसका मतलब ये हुआ जो सिलेबस आपका जुलाई 21 एग्जाम में था तो सेम सिलेबस होगा। बट यहाँ पे नीचे पॉइंट में देख रहा हूँ, यहाँ क्या लिखा है, आरटीपी नवंबर 21 एग्जामिनेशन। इसका मतलब ये हुआ कि आरटीपी जब रिलीज होगा, वैसे आरटीपी रिलीज हो चुका है, तो वहां पे जो भी चेंज होगा वो वहां पे अपडेट कर दिया जाएगा। तो आरटीपी पे मैं लास्ट में जाता हूँ। इसके बाद बात करते हैं बीसीआर का। बीसीआर में सेम सिलेबस होगा जो जुलाई 21 एग्जाम में था, सेम सिलेबस आपको दिसंबर 21 एग्जाम में देखने को मिलेगा, अक्टूबर 2020 एडिशन। बट उसमें से चैप्टर वन में से जेंडर बैरियर को आप कट कर देना, उससे एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। साथ में ये बताएगा कि जो भी अपडेट आएगा बीसीआर में, तो वो आरटीपी नवंबर 21 एग्जामिनेशन का जब आएगा उस समय आपको बता दिया जाएगा। अब बात करते हैं पेपर थ्री, बिजनेस मैथमेटिक्स लॉजिकल रीजनिंग एंड स्टैट पे। यहाँ पे भी आपका सेम सिलेबस होगा अक्टूबर 2020 एडिशन, जो जुलाई 21 का सिलेबस था सेम सिलेबस होगा। बट यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर दिया, तो ये तीन चैप्टर हटा दिया गया मैथ्स में से। आप ये तीन चैप्टर को नहीं पढ़ोगे, तो मैथ्स का चैप्टर नंबर 2 का यूनिट 2 हटा दिया गया, लॉजिकल रीजनिंग का चैप्टर नंबर 13 हटा दिया गया, स्टैट का आपको चैप्टर नंबर 19 का यूनिट 2 आपको हटा दिया गया। अब बात करते हैं आपका आखिरी पेपर इकोनॉमिक्स एंड बीसीके का। इसमें भी आपको दो सेक्शन होता है। सेक्शन 1 होता है बिजनेस इकोनॉमिक्स, यहां पे आपको अक्टूबर 2020 एडिशन आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि आपका सेम सिलेबस है जो कि जुलाई 21 में सिलेबस है, वही सेम सिलेबस आपको दिसंबर 21 एग्जाम में देखने को मिलेगा। और उसके बाद बात करते हैं पार्ट बी जो कि है बीसीके का। यहाँ पे भी बताया गया आपका स्टडी मटेरियल अक्टूबर 2020 एडिशन रहेगा, जो सिलेबस आपको जुलाई 21 एग्जाम में था सेम सिलेबस आपको दिसंबर 21 एग्जाम में होगा। यहाँ पे लास्ट में देखते हो कि यहाँ पे थोड़ा सा अपडेट किया गया, वो आपको आईसीआई के जर्नल में देखने को मिलेगा। तो ये आपके सामने जर्नल है, इसको आप वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अदरवाइज जितना कुछ अपडेट है सबका सिंगल पीडीएफ हम चार्टर्ड स्टडीज के टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर देंगे। यहाँ से आपको काफी सारा एमसीक्यू क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो इसको आप इग्नोर नहीं करोगे। इसी से आपका दिसंबर 21 एग्जाम में काफी सारा क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखो, ये तो रहा आपका सिलेबस का बात। अब जहाँ पे बात करते हैं, सिर्फ एक पेपर ऐसा है जहाँ पे बताया गया था कि आरटीपी जब आएगा तो आपको वहाँ पे अमेंडमेंट या चेंजेस मिलेगा। तो वो पेपर क्या है, तो वो पेपर है पेपर नंबर 2 बिजनेस लॉ एंड बीसीआर। अब मैं आपको बताता हूँ कि लॉ एंड बीसीआर के आरटीपी में क्या चेंजेस या अपडेट किया गया है। ये जो मैं बता रहा हूँ ये पूरा डिटेल बताऊँ, ये आपका फाइनल सिलेबस हुआ दिसंबर 21 एग्जाम का। आप चाहो तो इस वीडियो को सीए फाउंडेशन स्टूडेंट के साथ शेयर कर सकते हो, और इसका सारा पीडीएफ एक पीडीएफ बना करके चार्टर्ड स्टडीज टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर देंगे। यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ पार्ट वन जो कि लॉ होता है, वहाँ पे रिलीवेंट अमेंडमेंट एप्लीकेबल फॉर नवंबर 21 एग्जामिनेशन। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये जो अमेंडमेंट हुआ है वो सिर्फ कंपनी लॉ में अमेंडमेंट हुआ है। यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ सबसे फर्स्ट पॉइंट में देखना, अमेंडमेंट इन कंपनी एक्ट 2013। फिर उसके बगल में आपको अर्लियर प्रोविजन लिखा होगा, फिर उसके साइड में न्यू प्रोविजन और साथ में पेज नंबर लिखा होगा। आप इससे देख करके आप करेक्ट जरूर कर ले। और मैंने नीचे स्क्रॉल करके देखा तो सिर्फ कंपनी एक्ट में ही अमेंडमेंट हुआ है, और ये छोटा सा अपडेट था आपको आरटीपी में। और हाँ, बीसीआर में कोई भी अपडेट और चेंजेस नहीं है, आपका सेम सिलेबस होगा। बस आपको चैप्टर वन में जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था वही अपडेट है, वो भी आपके सिलेबस में चेंज है, मैंने इस वीडियो में बताया है। उसका मैं सिंगल पीडीएफ बना करके चार्टर स्टडीज टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया हूँ। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, या आप चार्टर स्टडीज टेलीग्राम पे सर्च करोगे तो चार्टर स्टडीज का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा।
अगर आप इनके चार्टर्ड स्टडीज के टेलीग्राम चैनल पे जाते हो, आपको ये पीडीएफ नहीं मिलता है तो आप मुझे चार्टर्ड स्टडीज इंस्टाग्राम पे मैसेज करना, मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगा। लास्ट में एक बार फिर से बोलूंगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिए ताकि आपको एक भी इंपॉर्टेंट अपडेट या अनाउंसमेंट मिस नहीं हो पाएगा। और मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।